अखिलेश यादव के मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी आने पर क्या कुछ कहा यूपी के लोगों ने। मानखुर शिवाजी नगर विधानसभा का यह इलाका हम आपको दिखाना चाहेंगे। अंबेडकर गार्डन के करीब यहाँ काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आज स्वयं कहा जाए सपा मुखिया अखिलेश यादव का आगमन उत्तर प्रदेश से यहाँ हो रहा है अबू आसिम आजमी के चुनाव प्रचार प्रसार में। हम आपको बताना चाहेंगे अबू आसिम आजमी जो कि चौथी बार इस बार चुनावी जंग में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि एक प्रबल दावेदारी भी उनकी पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आज यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। स्वयं कहीं कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के झंडों से यह इलाका बिल्कुल पटा सा नज़र आ रहा है। वहीं तमाम कार्यकर्ता जो कि उत्तर प्रदेश के सरजमी से चल के इस मानखुर्द शिवाजी नगर के प्रांगण में आए हैं स्वयं अबू आसिम आजमी के समर्थन में। सर कहाँ से आए? मैं जौनपुर से हूँ, सैयद उरूद राष्ट्रीय सचिव यूजन सभा। क्या कहना चाहेंगे आज अबू आसिम आजमी के चुनावी प्रचार प्रसार में आप आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अबू आसिम आजमी जी एक ऐसे नेता हैं जिसे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की निगाहें अबू आसिम आजमी के ऊपर लगी हुई हैं। शाह और तानाशाह दोनों मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मिलकर अबू आसिम आजमी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन गोवंडी की जनता के साथ साथ पूरे देश के लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है। अबू आसिम आजमी साहब चौथी बार जीतने जा रहे हैं, उनके कदम को लड़खड़ाने यहाँ की जनता देने वाली नहीं है। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब, इससे पहले क्या स्थिति थी, आप आए थे? हम महाराष्ट्र के राज्य उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, तीन बार के विधायक रहे जनाब अबू आजमी साहब, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ की जनता के लिए, हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। एक समय था कि गोंडी और मानखुर्द में पानी पीने को नहीं मिलता था, लोग चार चार किलोमीटर, पाँच पाँच किलोमीटर पैदल जाके साइकिल से पानी लेके आते थे। आज वही गोंडी है, 15 साल उनका मेहनत उन्होंने किया, यहाँ सड़कें बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, बच्चों के लिए पढ़ने का स्कूल बनवा दिया, पानी की पूरी व्यवस्था कर दी। आज एकदम गोंडी की जनता एकदम खुशहाल है। आप सोचिए जो व्यक्ति 15 साल विधायक होते हुए भी कभी उन्होंने सरकार में नहीं रहे, इतना बढ़िया काम किए हैं। और इस बार गोंडी की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप सब इस बार उनको विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में वोट दीजिए। इस बार महाभगाड़ी की सरकार बन रही है, वो मंत्री बनेंगे तो सोचो फिर कितना काम करेंगे। और मैं गोंडी की जनता से यहाँ अपील एक और करना चाहता हूँ, कुछ लोग जनाब अबू आजमी साहब को हराने के लिए काम कर रहे हैं, वोट कटवा आए हैं, उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जितने उतने का काम उनका कोसों दूर है। लेकिन आप अपना वोट को बर्बाद मत करना, क्योंकि ऐसा कोहिनूर हीरा जनाब अबू आजमी साहब हम सबको मिले हैं जो हमारे जनता के बीच में लगे रहते हैं, गरीब मजदूर सबके लिए काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। मैं यादव हूँ, हिंदू हूँ, हम लोग से बड़ा कौन हिंदू है? ये जो भाजपा है डुप्लीकेट हिंदू है, ये नाथुर राम वाले हैं, हम लोग गांधी जी वाले हैं। कोहिनूर हीरा है जैसे कहा अबू आसिम आजमी साहब ने, क्या कह रहे जी? जी बिल्कुल, अबू आसिम आजमी साहब के बारे में यहाँ की जनता जो गोंडी की जनता है, तीन बार अबू आसिम आजमी के काम को देखकर उनको फिर चौथी बार चौका लगाने जा रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब। उनके काम आज देखिए, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की दुर्दशा थी, अब अबू आसिम साहब ने शौचालय की व्यवस्था किया यहाँ की। अभी हमारे भाई साहब ने बताया। कहाँ से आए, कहाँ से आए? मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर से आए हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ते पहले आए थे? नहीं, हम लोग क्या अनपरी की इस बार आप लोगों को बुलाना पड़ा? हमें यह दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की संख्या में तमाम नेतागण यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश से यहाँ, तो क्या अनपरी इस तरीके की बात? देखिए अबू आसिम आजमी साहब से लोग इतना प्रेम मोहब्बत करते हैं कि अपने आप उन्होंने बुलाया नहीं है, वो अपने आप लोग उनकी मोहब्बत में यहाँ आ रहे हैं बड़ी संख्या में, कि अबू आसिम आजमी साहब से इतना लोग प्यार करते हैं। गोंडी की जनता भी उनसे बहुत प्यार करती है, गोंडी से वो भी बहुत प्यार करते हैं। बुलाए नहीं गए हैं, सब उनके प्रेम में आए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा
बरगलाने का काम कर रही है। आप सोचिए, तीन तीन आदमी वोट काटने के लिए खड़े हैं भाजपा की तरफ से। इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं तो वो प्रेम आपने क्यों नहीं दर्शाया? हमेशा हम लोग साथ खड़े रहे, गोवंडी की जनता। एक मिनट बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो लोग की गिनती आप लोग गिना रहे हैं, वो लोगों की गिनती नहीं बताई है आपकी। यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से, ये पीडीए के लोग हैं जो देश भर से निकल के यहाँ अबू वासिम को जिताने के लिए आए हैं। आप लोग सच्ची पत्रकारिता करते हुए निष्पक्ष दिखाइए। ये पीडीए के लोग हैं और जितने भी लोग उनको हराना चाह रहे हैं वो एक तरफ है, सच्चाई पे चलने वाले रास्ते पे वो एक तरफ है, गांधी वाले लोग, अंबेडकर वाले लोग एक तरफ है, पीडीए के लोग एक तरफ है, क्योंकि पीडीए की जो संख्या है वो पूरे देश में है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये नारा दिया हुआ है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसलिए पूरे देश से लोग आके जुड़ रहे हैं अबू वासिम से। और अबू वासिम इंशाल्लाह और भगवान करेगा तो इतनी ज़्यादा तादाद से जीतेंगे। पिछली बार वो 40 से 50 हज़ार जीते थे। आपकी पीडीए की ताकत को आप देखिएगा और गठबंधन की ताकत को देखिएगा, 1 लाख से ऊपर की जीत हमारी होने जा रही है। समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी, मेरा नाम लोधी महेंद्र पाल वर्मा। कहते हैं कई हजार सालों में इतिहास कभी दोहराता है, अबू वासिम आजमी साहब जैसा युग पुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। पत्रकार महोदय, आजमी साहब इस देश के नेता हैं, केवल मुंबई, गोवंडी, महाराष्ट्र के लीडर नहीं हैं, पूरे देश के नेता हैं। और लोग इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं कि पूरा देश उमर पड़ा है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उनको दुआएं दे रहे हैं जीतने के लिए, और आजमी साहब भारी बहुमत से जीतेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, ये हम लोग यहाँ करने आए हैं। और जनता से हम लोगों ने बात किया, गली गली डोर टू डोर संपर्क किया है। एक तरफ से गोवंडी की जनता आजमी साहब के साथ है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। चलिए, पूछिए, क्या पूछ रहा है? क्या कहना चाहेंगे, आज आप अबू वासिम आजमी के समर्थन में यहाँ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस एक संदेश देना चाहता हूँ महाराष्ट्र के लोगों को कि ये झूठों और सच्चों की लड़ाई है। हम लोग लगभग चुनाव यहाँ जीत चुके हैं, सिर्फ 20 तारीख को सावधानी से इलेक्शन में वोटिंग कर देना है और इन झूठों का मुँह काला कर देना है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश में 70 सीट हम लोग 100 से लेकर 2000 वोटों के बीच में हार गए। इन मक्कारों झूठों से सावधान रहना है, क्योंकि ये इतने झूठे हैं कि अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल मिलता तो ये भाजपा वाले जीत लेते उसको। तो उसी पर मेरा कहना है कि इस अंधेरे में थोड़ी सी हनक पा जाता, अपना भारत भी थोड़ी सी चमक पा जाता, और झूठ का खेल जो होता कहीं ओलंपिक में अपना फेंकू भी सोने का पदक पा जाता। तो ये लोग इस तरह जिस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जो खेल खेल रहे हैं बांटने का, काटने का, तो ये बांटना काटना ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये गरीबों से काटेंगे और अडानी अंबानी को बांटेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू मुसलमान का देश है, सिख ईसाई सब मिल के साथ रहते हैं। मैं एक शेर से अपना संदेश देता हूँ पूरे महाराष्ट्र वाले को कि न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, चमन में खिले फूल सब साथ मिलकर, हमें तो फकत इनकी खुशबू से मतलब। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में गुलाब भी है, जूही भी है, मोगरा भी है, चमेली भी है, ये सब फूल एक साथ जब मिलते हैं गुलदस्ता बनता है। ये आज गुलदस्ता खतरे में मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान की तहजीब खतरे में है, हमको हिंदुस्तान की तहजीब बचाना है। कहा है कि हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। और मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझमें नमाजें भी है, पूजा भी, यही पहचान थी अपनी, यही पहचान रखना है। ये पहचान बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान की तहजीब बचाने का चुनाव है। और जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ वहाँ से आए हैं, ये अखिलेश यादव के सिपाही हैं, मैं जौनपुर से आया हूँ। और हिंदुस्तान की दशा और दिशा अगर कोई बदल सकता है तो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सिपाही बदल सकते हैं। आपने पीछे उत्तर प्रदेश में दिखाया था, चार सौ पार बंटाधार, इस बार इस बार कड़ी पार। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में इनकी बत्ती बनने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में मैं बहुत सी विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं है, बस एक काम करना है, चोरों से होशियार रहना,
20 तारीख को होशियारी से वोट डाल देंगे, आपकी सरकार यहाँ बनेगी और दिल्ली की तख्ता जो है वो जो चार पांव पांच पांव पर टिका हुआ वो बिखरने वाला है और हिंदुस्तान में फिर से एक सेकुलर सरकार बनेगी, फिर से वही प्यारा हिंदुस्तान बनेगा जिसमें हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसे मोहब्बत से जीते आ रहे थे उसी तरह। बाबा जी आज स्वयं अखिलेश यादव जी आ रहे हैं यहाँ अबू आसिम आजमी के प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके का आप संदेश देना चाहेंगे? एक कहीं न कहीं कहा जाए बाबा का बहुत ऊंचा स्थान होता है और बाबा होने के नाते किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? मैं यहाँ की जनता को प्रणाम करते हुए ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि देश का एक भविष्य का नेता, देश का भावी प्रधान प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिनका विश्वास है कि अगर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। अखिलेश जी बोले उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या के मंदिर में अयोध्या के मंदिर पे राजनीति जब कर रहे थे, अधूरा और शंकराचार्य जी का अपमान करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो बोले अखिलेश जी क्यों नहीं, अखिलेश जी ने कहा मेरा भगवान कोई है तो ये पीडीए है। जिस दिन मैं ये गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको घर में नौकरी दे दूंगा, नौजवानों को नौकरी दे दूंगा, बहनों को सुरक्षा दे दूंगा, घर में खुशहाली आएगी तो मेरा भगवान खुश हो जाएगा, मेरी 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 तपस्या पूर होगी। और यही 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 कबीर कहे, यही तुलसी कहे, यही यही रविदास कहे, यही बाबा भीमराव अंबेडकर। आपका चैनल हमारा सिटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमको, हम लोगों को समय दिया। और बाबा जी हमारे समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पूछिए बाबा जी क्या। तो ये संदेश दिया मैंने कोरोना का, देखा कि जब कोरोना में लोग तड़प के मर रहे थे, चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान, अगर मुसलमान भी तड़प रहा था, अगर उसको ऑक्सीजन या ब्लड हिंदू दे दिया या मुसलमान को या हिंदू को योगी को मुसलमान दे दिया, तब कोई धर्म मजहब नहीं बटने की बात करा। आज कुर्सी के लिए धर्म को और मजहब को मत बांटो, क्योंकि गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, भीमराव अंबेडकर साहब बहुत विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा अगर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता, इंसानियत मानवता का। अखिलेश यादव पुजारी हैं इसलिए भगवाधारी, यहाँ अबू आसिम और अखिलेश जी का भी ये भगवाधारी पुजारी है। आपने देखा कहीं न कहीं कहा जा सकता है अबू आसिम आजमी की प्रबल दावेदारी नजर आ रही है 2024 के चुनाव में। आज इनके समर्थन में हालांकि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं, स्वयं अखिलेश यादव का कुछ ही क्षणों में यहाँ आगमन होने वाला है।